हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। टुडे वी डिस्कस अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू पेपर सेकंड ऑफ जूलॉजी। दिस पेपर इज रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान। ये जो पेपर है आपका, ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। इस पेपर में तीन पार्ट दिए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। फर्स्ट सेक्शन जो सेक्शन ए दे रखा है, ये जो सेक्शन है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इकोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन ए इकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, इकोलॉजी के आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्या है, इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत, लिविंग का और सेल्फ हुड का, और एक आधुनिक जो लिमिटिंग फैक्टर का सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इसके अंतर्गत आप इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सभी, इसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं वो सभी आते हैं, और एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर है, लाइट है, प्रेसिपिटेशन, सॉयल, वाटर, एयर, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंतर्गत आप इसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंजम्पशन एंड डिकम्पोजिशन इन एन इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को खाता है, अर्थात इसमें आप खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे, फूड वेव, फूड चेन, फूड वेव, एंड जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अपघटन या डिकम्पोजिशन जो कि मेनली बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा होता है, और यह लगभग 5 चरणों में संपन्न होता है, तो उसके बारे में। फूड चेन, फूड वेव, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इन सब के बारे में अध्ययन आप करेंगे। देन आएगा बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसके अंतर्गत आप जिन्हें बोलते हैं हम जैव भूभौगोलिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, इसके अंतर्गत आप ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, और इन एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो चक्र चल रहे हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से ये जीवों के हो, जीवों, जलमंडल, थलमंडल, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, थलमंडल लिथोस्फीयर, एंड एटमॉस्फेयर वायुमंडल से किस प्रकार से ये गुजरते हुए और चक्रण इनका चलता रहता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए, ये इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और इकोलॉजी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको भगत सर स्टडी कराएंगे। मुझे इस पेपर में दो सेक्शन दिए गए हैं, और ये जो दो सेक्शन हैं वो है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इनके बारे में मैं आपको समय समय पर वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाए, और हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर को आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करा देंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत इसमें दो सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी, ये सेक्शन बी के अंतर्गत एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट क्या है,
हाइड्रोसियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर क्या है, इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। एनवायरनमेंट, जैसे जनरल हम आपको वे में बता देते हैं कि जो हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ वस्तुओं का जो भी आवरण है उस सबको हम सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। इसी एनवायरनमेंट को हम यदि अदर परिप्रेक्ष्य में कहें तो हम इसे बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं और कह सकते हैं जहाँ की जीवित जीव या लिविंग जहाँ भी रहता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। ये जो एनवायरनमेंट है इसको मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। एक तो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है एंड एटमॉस्फीयर है, और फोर्थ आता है इसी के अंतर्गत बायोस्फीयर। हालांकि बायोस्फीयर एनवायरनमेंट के समानार्थक ही है क्योंकि ये जो तीन आप पढ़ेंगे, जलमंडल, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या थल मंडल, और थर्ड है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, तो इन तीनों ही मंडलों के अंतर्गत जहाँ पे भी जीवन की संभावनाएं हैं या जहाँ पे भी जीवन है वो सभी मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो ये जो बायोस्फीयर है ये तीनों ही मंडलों के अंतर्गत आता है। अभी इसका जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा वो उसी से संबंधित होगा, एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट आखिर है क्या, जिसको आपने प्रारंभ की कक्षाओं पढ़ा होगा कि पर्यावरण, परिधन आवरण, परि मीन्स होता है अपने चारों ओर की जो परिधि है या अपने चारों ओर ये जो पदार्थों का जो आवरण है या जो पदार्थ, सभी पदार्थ जो पाए जाते हैं इन्हें सब सब इन सभी को सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है इसके अंतर्गत नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधन, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर नीड। इसके अंतर्गत आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं। अब सिंपल वे में हम कहें तो प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या मानव की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, आवश्यक हैं और उसके फलने फूलने के लिए आवश्यक हैं, उन सभी को हम नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, प्रकृति द्वारा वे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो प्रकृति से हो गए, तो प्राकृतिक रूप से या प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो साधन जो मानव के उपयोगी हैं या मानव के रहने खाने पीने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि मानव के फलने फूलने के लिए और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। प्रकृति में ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं। जैसे फॉर सिंपली हम आपको बता देते हैं कि जैसे लकड़ी, लकड़ी एक रॉ मटेरियल है और ये जो नकली लकड़ी है या जिसे हम वुड्स कहते हैं ये क्या प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। मानव इसको क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है और लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। इसके अलावा भी फॉरेस्ट वगैरह से अन्य बहुत से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है। इसके साथ साथ जैसे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, वो भी प्राकृतिक संसाधन है जिनका कि मनुष्य अपने लिए और अपने फलने फूलने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनका उपयोग करता है। इसके साथ साथ जैसे जल है या पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन के रूप से जानते हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम फ्यूल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी आते हैं। इसके साथ साथ मिनरल्स, मिनरल्स इसमें जो अयस्क होते हैं जिन्हें हम औरे के नाम से जानते हैं, तो ये जो औरे हैं ये भी पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं या प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ इस तरह के हैं जो कि असीमित हैं, जिनका कि क्षय नहीं हो सकता है और इन्हें हम लंबे समय तक भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिनका यदि हम अत्यधिक एक्सप्लॉयटेशन करें या अतिदोहन कर रहे हैं इसके कारण ये इन फ्यूचर फ्यूचर में ये समाप्त हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दुर्लभ भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत आप जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनके अंतर्गत आप फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर का स्टडी करेंगे विस्तार से। नॉन
रिन्यूएबल के अंतर्गत आप सोयल मिनरल्स एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फोर्थ जो इसकी यूनिट है ये है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जनरल आउटलाइन एंड वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एयर एंड सॉइल। तो इसके अंतर्गत आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जो पॉल्यूशन है, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, इनके बारे में। इसके साथ साथ सेकंड यूनिट और दे रखी है इसमें, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सेकंड है। इसमें आप सोर्स एंड रेमेडीज फॉर नॉइस, नॉइज मतलब शोर प्रदूषण के लिए, जो क्या क्या तो इसके स्रोत हैं और क्या इसके बचाव के तरीके हैं, या क्या इसका उपचार किया जा सकता है निदानात्मक रूप से। रेडिएशन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड हाउस होल्ड पॉल्यूशंस। तो इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे, सोर्स एंड रेमेडीज फॉर नॉइज, शोर प्रदूषण के लिए क्या स्रोत हैं इसके। रेडिएशन, रेडिएशन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं। जैसे आपने जनरली यूरेनियम वगैरह का नाम सुना होगा, इनसे भी रेडिएशन निकलती हैं। यूरेनियम है, थोरियम है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, इनका हम उपयोग एनर्जी उत्पादन में और ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। इसके अलावा जो परमाणु बम वगैरह हैं उनमें भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो इन सभी से जो हानिकारक जो रेडिएशन निकल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके स्रोत क्या क्या हैं, वो तो स्रोत हो गए, और इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल में जैसे चमड़ा उद्योग है, इसके अलावा भी मेटल एलर्जी से संबंधित हैं, जिसमें कि अयस्क को संसाधित किया जाता है और उससे हमें अयस्क से धातु बनाई जाती है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम धातुकर्म के नाम से जानते हैं। तो इन सब से क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स निकल रहे हैं, जैसे बहुत सी इंडस्ट्रीज में डाइज निकल रही हैं, डाइज वो रंगने का जो काम करते हैं, वहाँ से डाई निकल रही हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का भी पॉल्यूशन होता है कि मशीनों के से बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है, जो जल के साथ साथ है वो हीट बहा दी जाती है, तो वो उसका टेम्परेचर, जो जल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वह जल जब नदी में पहुंचता है तो वो जीवों के लिए हानिकारक होता है। एग्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे आप, इसमें बहुत सारे उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे कि जो कृषि के अंतर्गत है हम केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। पेस्टिसाइड का मेनली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एग्रोकेमिकल्स में जैसे खाद वगैरह उर्वरक, जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स का भी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह को नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड का भी उपयोग कर रहे हैं, पीड़कनाशियों को नष्ट करने के लिए, एंड हाउस होल्ड पॉल्यूटेंट और घरों में निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट है, मतलब जो प्रदूषक हैं, उनके बारे में आप क्या तो इनके स्रोत हैं और इनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि कोई भी कारक है या कोई भी पदार्थ जो वाटर, एयर, सॉइल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट प्रदूषक हो जाएगा। और यदि इन्हीं के, जैसे वाटर, एयर और सॉइल के भौतिक, जैविक और रासायनिक संगठन में यदि कोई भी परिवर्तन आता है, तो इसे हम वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में ही बात करें हम, तो वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत यदि वाटर के, जो वाटर है या पानी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में या जैविक संगठन में कोई भी परिवर्तन आता है, तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जनरली आप इसे ऐसे ले सकते हो कि जैसे एक पानी स्वच्छ पानी है, यदि उसमें आप कुछ गंदगी मिला देते हो, या उसमें सीवेज, घरों से निकला हुआ मल भी उसमें मिल जाता है, तो वो पीने योग्य नहीं रहता, और उसका जो रासायनिक संगठन है और उसका जैविक संगठन है, उसका फिजिकल या भौतिक जो संगठन है वो बदले, भौतिक रूप से वो बदल जाता है, इसी को हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। आगे इसके अंतर आगे इसमें सिक्स जो दे रखा है आपका, इसमें आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एल निनो एंड ला निनो के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फर्स्ट
और एनवायरमेंटल बायोलॉजी सेकंड, अर्थात सेक्शन बी और सेक्शन बी से संबंधित हम समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और हम यह कोशिश करेंगे कि आपको इनसे संबंधित इस संपूर्ण जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है, इनको ऑनलाइन ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कराएं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, या इसे हम हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये बहुत अधिक लाभदायक है पृथ्वी के लिए कि किस प्रकार से ये जो गैसों का जो आवरण है वो एक कंबल की तरह काम करता है और पृथ्वी को ठंडा होने से बचाता है। यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना पड़े तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री होता, अर्थात -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। लेकिन इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ। लेकिन आजकल ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण धीरे धीरे संसार का या पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो एक समस्या का विषय है। इसके अंतर्गत हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो हरित गृह प्रभाव या कांच घर प्रभाव क्या है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गया ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रही है, अर्थात ओजोन लेयर क्षति क्यों हो रही है, और ये ओजोन लेयर कहाँ स्थित है, कहाँ पाई जाती है। तो आपको जनरल हम बता देते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो सेकंड जो कंसंट्रेट लेयर है, जो घेरा है, सेकंड दूसरी घेरा पृथ्वी के तल से या पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह के पास जो घेरा है उसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और सेकंड है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत ओजोन गैस पाई जाती है जो जीव जंतुओं को सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे रक्षा करती है। लेकिन वर्तमान में बहुत से ऐसे प्रदूषक हैं जो इस लेयर को नष्ट कर रहे हैं या इसे क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण इसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। इसकी मोटाई को हम डेप्सन यूनिट में मापते हैं, DU, डेप्सन यूनिट DU में मापते हैं। अब ये क्षति क्यों हो रही है कि आपने जनरल आप हम देखते रहे हैं कि जैसे हम घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं या शेविंग क्रीम का जितने भी यूज कर रहे हैं जिनमें ठंडे के लिए इन्हें यूज किया जाता है, इसमें फ्रियोन गैस यूज की जाती है, और ये जो फ्रियोन गैस है इसमें क्लोरीन बनता है, और ये क्लोरीन का एक परमाणु में ये क्षमता होती है कि वो ओजोन के 1,00,000 अणुओं तक को वो तोड़ सकता है। तो इसके कारण ये क्षति हो रही है। विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो वीडियो इसके संबंधित होगा, एंड एल निनो एंड ला निनो इफेक्ट के बारे में भी बताएंगे। रेडिएशन एंड एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के टाइप्स, फॉल आउट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, मॉलिकुलर एक्सीडेंट क्या है। इसके अंतर्गत हम रेडिएशन के बारे में बताएंगे आपको कि रेडिएशन और रेडिएशन का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके अंतर्गत ही हम आपको जो चेर्नोबिल की घटना है रूस में हुई थी, या फुकुशिमा जापान में जो घटना हुई थी, जो रिसाव की रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रिसाव की जो घटना हुई है उनके बारे में बताएंगे, जिसमें कि बहुत बड़ी ये त्रासदी हुई थी। इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, बायो एक्युमुलेशन या जैव संचय, जैव संचय के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से जीवों में जो ये पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड किस प्रकार से इनका संचय हो जाता है और क्यों ये बहुत अधिक हानिकारक हो जाते हैं। जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, जिसे हम जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं कि जीवों में इनका आवर्धन होना, कुछ जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे DDT है, एल्ड्रिन है, DDT एल्ड्रिन, इनका ऐसा पाया गया है कि ये लंबे समय तक क्षतिग्रस्त नहीं होते और जीवों में लंबे समय तक ये बने रहते हैं। इनके बारे में एंड बायो डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, और
जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, उनका जीवों के द्वारा किस प्रकार से डिग्रेडेशन किया जा सकता है। तो ये जो यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है आपकी इस पेपर सेकंड की, या इसे हम सेक्शन बी के नाम से जानते हैं। काफ़ी इजी है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। इस यूनिट को से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर डाल दिए जाएंगे। सेक्शन जो सी है, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें केवल तीन टॉपिक हैं और तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट जो इसमें दे रखा है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, वेनिसिंग एंड थ्रीटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट विद स्पेशियल रेफरेंस इन राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड, यहाँ हम जो संकटग्रस्त एनिमल्स हैं और संकटग्रस्त जो प्लांट हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो एनजीओ या जीओ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा क्या क्या प्रबंधन किए जा रहे हैं इनके संरक्षण के लिए, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वन्य जीव संरक्षण, कि वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्लांट और स्पीसीज है राजस्थान में जो संकटग्रस्त है और विलुप्ति के कगार पर वो पहुंच चुकी हैं, और उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यही एक बड़ा क्वेश्चन जनरली आता रहता है, अर्बनाइजेशन का प्रभाव, कि अर्बनाइजेशन या शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, आजकल क्या है कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बनाइजेशन के अंतर्गत आ रही हैं, उन सब के बारे में। जैसे आप भी सब जनरली समझ रहे हो कि भाई कोई भी व्यक्ति गांव से जो आता है वो किस लिए आता है, या तो एजुकेशन के लिए या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ये जो इन सभी को हम सामुदायिक सेवाओं के नाम से जानते हैं, तो इन पे भी गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो इन इन सब के कारण ही, या तो एजुकेशन से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और इसी के कारण क्या है कि शहरों की जो आबादी है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होंगी। कुछ समस्याएं यदि व्यवस्थित शहरी, व्यवस्थित रूप से कोई सिटी नहीं है तो वहाँ पे समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही होगी, जैसे ही ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो संसाधनों में स्वाभाविक है कमी आएगी। इससे क्या होगा कि उनका खान पान का जो स्तर है, जो लाइफ स्टाइल का स्तर है, वो प्रभावित होगा, एजुकेशन भी प्रभावित इसके अंतर्गत होगी। एक जो भी संसाधन है उनकी कमी होना स्वाभाविक है। जैसे अब यदि हम पानी की बात करते हैं तो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या है एक बड़ी सिटी के लिए। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करें। थर्ड है इसमें स्पेस इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता रहता है जनरली, के जो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं स्पेस इकोसिस्टम की, और इन्हें हम किस प्रकार से इनका समाधान कर सकते हैं। तो ये जो दो सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों के बारे में हम समय समय पर वीडियो आपको डालते रहेंगे। और ये जो दोनों सेक्शन हैं वो हम ऑनलाइन ही वीडियो डाल के कराने वाले हैं, तो आप तैयार रहें इसके लिए। और जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसे आप तुरंत वॉच करें, और उससे संबंधित आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, और हम भी समय समय पर आपको नोट्स डालते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।